नहीं बात हुई, मैंने सब मांगा भी, समय भी मांगा है, और आज भी फिर हम आपके माध्यम से आज भी मांग रहे समय, आज भी हम मांग रहे समय दे दो बात। लेकिन मैंने कई बार समय मांगा लेकिन अभी तक समय नहीं मिला है। मान न सम्मान, मैं तेरा मेहमान, ये कहावत मुलायम खानदान पर सटीक बैठती है, क्योंकि जिस तरीके से शिवपाल अखिलेश से मिलने का समय मांग रहे हैं, लेकिन अखिलेश अपने ही चाचा को समय देने के लिए तैयार नहीं है। हम जल्दी बात करेंगे, मैं इंतजार कर रहा हूँ, मैं इंतजार कर रहा हूँ। ऐसे में सवाल होना लाजमी है, जिस शिवपाल ने सपा को खड़ा करने में इतना त्याग किया, आज वो समय मांगने के लिए दर दर की ठोकरें क्यों खा रहा है? दरअसल वो कारण है अखिलेश का घमंड। विरासत में मिली सियासत के नशे में अखिलेश ऐसा चूर हो गया है कि उसे अपने ही परिवार में अपने ही चाचा को देने के लिए समय नहीं है। यहाँ तक कि घमंड इतना कि भरे मन से ही चाचा से लड़ाई कर डाली थी। देख लीजिए इस सबूत को। अमर सिंह ने मेरे बारे में लिखवाया कि मैं औरंगजेब हूँ और नेताजी शाहजहां हैं, और टाइम्स ऑफ इंडिया के फ्रंट अखबार से लिखवाया, और ये अशोक मलिक देखिए ये झूठ है, झूठ है, मुख्यमंत्री झूठ बोल रहे, मुख्यमंत्री झूठ, मैं नहीं बोलूंगा प्रेस, मैं नहीं बोलूंगा। बेचारे चाचा शिवपाल को मजबूरन कहना पड़ा था कि मुझे राजनीति के कारण बदनाम किया जा रहा है, जितना चाहे बदनाम कर लो, लेकिन मैंने तो पार्टी की सेवा की है। कितना भी मेरा अपमान कर लेना, कितने बार भी मुझे बर्खास्त कर लेना, मैं जानता हूं कि अच्छा काम किया है। अखिलेश, राजनीति में सत्ता किसी की नहीं होती, आज इसकी तो कल उसकी, लेकिन सत्ता के घमंड में परिवार वालों के साथ ऐसा कौन करता है? घमंड न रावण का रहा न कंस का रहा, तो अखिलेश तुम किस खेत की मूली हो?